गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया है। हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए रूट्स हम कब निकालते थे, कैलकुलेट करते थे, व्हेन डी, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। बिकॉज इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल। इस सिचुएशन में इसके रूट्स जो होते थे इक्वेशंस के, वो क्या होते थे, रियल। आज इन क्लास फर्स्ट ईयर हम उन रूट्स को फाइंड करेंगे व्हेन डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। क्लास टेंथ में जब ये सिचुएशन आता था कि व्हेन डी यानी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, तब हम क्लास टेंथ में लिखते थे रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि उस समय जो रूट्स होता है वो इमेजिनरी आता है या कॉम्प्लेक्स रूट्स आता है। क्योंकि क्लास टेंथ में हम लोगों को कॉम्प्लेक्स रूट्स की जानकारी नहीं थी तो वहाँ हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, वहाँ हमें छोड़ देते थे कि रूट्स आर नॉट रियल। बट एट दिस टाइम हम लोग उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म यह है व्हेन डी डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डी इज इक्वल टू बी माइनस फोर ए सी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो देन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स रूट आर इमेजिनरी रूट्स, और इसे हम फाइंड करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। ये स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला के फॉर्म में आप जानते हैं, पहले से भी आपको लर्न है, क्लास टेंथ में ही बताया जा चुका है, आप इसका यूज भी कर चुके हैं। बस सिर्फ ये है कि तब हम इसके पॉजिटिव वैल्यू के लिए सॉल्व करते थे या जीरो के लिए, यहाँ लेस देन जीरो के लिए सॉल्व करेंगे। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ये फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर, अगर यहाँ निगेटिव कर देते हैं तो ये इंटू क्या आ जाएगा, इंटू आई अपॉन क्या हो जाएगा, टू ए। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रूट। स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स को फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, व्हेन डी इज लेस देन जीरो तो एक्स की जो वैल्यू हमें मिलती है, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स हमें मिलता है, ये रूट्स कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स रूट होता है, क्योंकि देखिए यहाँ आई लगा हुआ है। स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल ऐसे देखें, जैसे इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन को हम लोग क्लास टेंथ लेवल पर यह कहकर छोड़ देते थे कि इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व इट, बट एट ए टाइम हम देखिए इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस थ्री, ये क्या हो गया, माइनस थ्री। और माइनस थ्री को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए थ्री इंटू माइनस वन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा थ्री इंटू आई स्क्वायर, बिकॉज आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। अब यहाँ से एक्स इज इक्वल टू मिलेगा थ्री आई स्क्वायर, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री आई, तो इसके रूट क्या मिले, एक्स इज इक्वल टू थ्री आई
एंड माइनस 300, बोथ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो ऐसे सभी रूट्स पर हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो पहला स्टेटमेंट है ये पॉलीनोमियल इक्वेशन, ये पॉलीनोमियल इक्वेशन हैज एट लीस्ट, ये पॉलीनोमियल इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रूट्स, वन पहला, ये पॉलीनोमियल इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन। पॉलीनोमियल हम जानते हैं लीनियर भी होता है, क्वाड्रेटिक भी होता है, क्यूबिक भी होता है। स्टेटमेंट आपका है ये पॉलीनोमियल इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रूट, यानी कोई भी पॉलीनोमियल इक्वेशन है तो उसका मिनिमम वन रूट्स होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये पॉलीनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज एग्जैक्टली एग्जैक्टली n रूट्स। ये पॉलीनोमियल इक्वेशन, ये पॉलीनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज एग्जैक्टली n रूट्स। ये दोनों स्टेटमेंट ही कहलाता है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। इन दोनों स्टेटमेंट को विदाउट प्रूफ हम लोग फॉलो करते हैं। इसका मतलब आप समझें, ये स्टेटमेंट कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है ये पॉलीनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज एटमोस्ट n रूट्स, एटमोस्ट n रूट्स, एटलीस्ट वन रूट्स, माने मिनिमम वन रूट्स होता है और मैक्सिमम n रूट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल मिल जाता है, तो इक्वल रूट्स में हमें दोनों ये कहीं दिखाई देता है बट वो दो रूट्स होते हैं, तो उसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये पॉलीनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज एग्जैक्टली n रूट्स। यानी अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके एटमोस्ट कितने रूट्स होंगे, टू रूट्स होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। डिग्री अगर 3 है तो उसके 3 रूट्स होते हैं, डिग्री 4 है तो 4 रूट्स होते हैं। यह इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का स्टेटमेंट है, ये किसी भी इक्वेशन के डिग्री जितनी होती है उसके उतने रूट्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स इस पर बेस्ड हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स को हम कैसे फाइंड करते हैं। थैंक यू।